आप लोगों को बताने जा रही हूँ, क्या आपके भी माथे पे हो गई हैं बड़ी बड़ी पतली पतली फाइन लाइंस? तो आपकी भी स्किन कुछ इस तरह से घुड़ों की तरह दिखने लग गई है, तो क्या आपका माथा आपकी तकदीर बताने लग गया है? छोड़ो यार। एनीवेज, मैं आज आपको बताऊंगी कि हम अपनी फाइन लाइंस को कैसे दूर कर सकते हैं। वैसे तो ये बर्थ लाइंस होती हैं, इन्हें दूर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये उम्र के साथ साथ हो जाए ना तो आप इन पे कंट्रोल पा सकते हैं। अगर आपकी छोटी उम्र में ही आपके माथे पर फाइन लाइंस आने शुरू हो गई हैं, आपके इस एरिया पर फाइन लाइंस आने शुरू हो गई हैं, झुर्रियां पड़नी शुरू हो गई हैं, किस तरह से आप उन पे कंट्रोल पा सकते हैं? आंखों के यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से फाइन लाइन सॉरी रिंकल्स बने शुरू हो जाते हैं। रिंकल्स को दूर किया जा सकता है, बहुत आसान सा बहुत ईजी सा मेथड होता है, लेकिन आपको ये करना जरूर है। अगर आप इसे करते हैं तो आप अपने माथे की तकदीर को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, आंखों के आसपास की झुर्रियों को बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं, होठों के आसपास जो स्किन लूज होकर कठी सी हो गई है उसको दूर कर सकते हैं। तो गर्ल्स, विमेन्स, लेडीज, अंकल, आंटीज एंड स्मार्ट बॉयज, तो चलिए शुरू करते हैं DIY, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता है मेरा फेवरेट, सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ जो है मैं उसका यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे है मेरे पास आधा चम्मच काउलिन क्ले, जो मुझे बहुत पसंद है, स्किन को टाइट एंड ब्राइट करने में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी मोरिंगा लीफ पाउडर, तो ये भी आप ले सकते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा। आधा चम्मच आपने इसका लेना है। अगर आप इसे घर पे बनाना चाहते हैं तो कहीं पे भी जो मोरिंगा लीफ होता है, मतलब पत्तों को ले लीजिए, किसी भी मोरिंगा जो ट्री है, पेड़ है, वहाँ से ले लीजिए और पत्तों को सुखाकर उनका पाउडर कुछ इस तरीके का बना लीजिए। तो ये आपने सेकेंड इन्ग्रीडियंट लेना है। तो अब हम लेंगे अम्ब हल्दी। दोस्तों, ये भी हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया होती है, स्किन को टाइट एंड ब्राइट रखने के लिए, फाइन लाइंस रिंकल्स को दूर करने के लिए मेरा तीसरा इंग्रेडिएंट रहेगा। अब फाइन लाइंस हैं, झुर्रियां हैं, रिंकल्स हैं, तो वो हनी से कुछ मंत्र होती है, क्योंकि हमें स्किन के ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चराइज चाहिए होता है। तो मैंने बहुत ही कम, 1/4 चम्मच जो है वो हनी का इसके अंदर डाल दिया है। आप देख सकते हैं हनी मैंने सिर्फ इतना ही डाला है क्योंकि मुझे स्किन को मॉइस्चराइज करना है। अब मैं इसके अंदर गुलाब जल डाल के इसका पेस्ट तैयार करूंगी। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। तो दोस्तों, रेमेडी बनके तैयार हो गई है। इस रेमेडी का आपने यूज़ करना है वीक में 2 से 3 बार, और ये आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर फाइन लाइंस छोटी उम्र में आ गई हैं या फिर बढ़ती उम्र का एक हिस्सा बन गई हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए आपने इसका यूज़ करना है। वीक में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसे यूज़ करने के बाद हम एक चीज़ और अप्लाई करेंगे जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में और फाइन लाइंस को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करने में आपकी बहुत मदद करने वाली है। अब सोच क्या रहे हैं, आपको लगता है DIY खत्म हो गया, रेमेडी खत्म होगी? जी नहीं, अब आपको लेना है कोई भी जेल, आप ले लें, एलोवेरा ले सकते हैं, कुकम्बर ले सकते हैं, हनी जेल ले सकते हैं। जो राइट नाउ मैंने लिया है हनी जेल, इसमें डाली है 2 बूंदे टी ट्री ऑयल की। दोनों को हाथों पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, चेहरे की करनी है 3 से 4 मिनट तक मसाज, गोल 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 करके चेहरे पे इसे घुमाते जाएं, और स्किन के अंदर ये अच्छी तरह से चला जाएगा आपके ओपन पोर्स में, और स्किन को बहुत, स्किन का जो चिक एरिया है उसे ग्लोइंग बनाने में बहुत मदद करने वाला है। आपने जब भी इस पैक का इस्तेमाल करना है तो उसके बाद इसे लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। कैसा लगा DIY? आई होप DIY जरूर पसंद आया होगा। DIY पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बिंदास से वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूंगी। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक पे वीडियो तो भी नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, वो भी आप लोगों के सामने मैं पेश करूंगी नए अंदाज में और अच्छे से DIY के साथ। एंड गाइस, जो चीजें परचेज करने वाली होती हैं इसके अंदर, उनका लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया जाता है, और कम्युनिटी बॉक्स में भी मैं लिख देती हूँ, तो वहां पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, टी ट्री ऑयल जो है हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है रिंकल्स को रिमूव करने के लिए। स्किन को क्लीन हाइड्रेट करना बहुत जरूरी होता है, तो स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखें, सनग्लासेस हमेशा पहनें, जब धूप में जाना हो तब घर पे सोते हुए रहें, एंड वन थिंग मोर के पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, सनस्क्रीन अप्लाई जरूर करें। अब मिलूंगी नए वीडियो में, तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाला नोटिफिकेशन और आने वाला वीडियो लोगों से कभी मिस ना हो पाए। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।